नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में, अब हम बात करेंगे बोधगया विधानसभा क्षेत्र की। बोधगया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गया जिले में है। यह गया जिले के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षित है। आइए बात करते हैं बोधगया विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास और मौजूदा हालात के बारे में। साल 2015 में इस सीट से राजद प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने जीत हासिल किया था और मौजूदा समय में वहां पर वो विधायक है। साल 2010 के चुनाव परिणाम को देखा जाए तो इस साल भाजपा और लोजपा के बीच कड़ा टक्कर रहा था। भाजपा के टिकट से इस चुनावी साल में श्यामदेव प्रसाद विधायक रहे थे, उन्हें इस साल 54,160 वोट मिला था। वहीं उनके निकटतम उम्मीदवारों को देखा जाए तो इस साल लोजपा के कुमार सर्वजीत को 42,947 वोट मिला था। दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों के अंतर को देखा जाए तो 11,213 वोट मिले थे। वहीं साल 2009 में इस सीट पर LJSP से सर्वजीत विधायक निर्वाचित हुए थे। साल 2005 को देखा जाए तो इस साल फरवरी महीने में राजद से फूलचंद मांझी विधायक रहे हैं। वहीं अक्टूबर महीने में भाजपा से हीरा मांझी विधायक रहे थे। वहीं चुनावी साल 2000 को देखा जाए तो इस साल यहां राजद का कब्जा रहा था, राजद से जीतन राम मांझी विधायक रहे थे। अब हम साल 1995 के चुनावी परिणाम की तरफ देखें तो इस साल यहां से निर्दलीय विधायक चुने गए थे, मालती देवी निर्दलीय विधायक हुई थी। वहीं साल 1990 के चुनावी नतीजों को देखा जाए तो CPI से बालिका राम विधायक निर्वाचित हुए थे। विकास कार्यों का मुआयना करें तो क्षेत्र में कई कार्य किए गए हैं, सड़क और पुलों का निर्माण हुआ है, भवन निर्माण और स्कूल निर्माण की तरफ भी ध्यान दिया गया है। क्षेत्र के चुनावी मुद्दों की तरफ देखा जाए तो स्थानीय लोगों के मुताबिक रोजगार के विकास के लिए पर्यटन से जुड़े व्यवसाय को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है, सिंचाई को लेकर स्थायी निदान की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो इस बार भाजपा ने यहां से हरि मांझी को मैदान में उतारा है, वहीं राजद ने कुमार सर्वजीत को एक बार फिर से टिकट दिया है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार यहां किसका बोलबाला रहता है। क्या राजद अपना सीट बरकरार रख पाएगी या भाजपा जीत दर्ज करेगी, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।